इज वेलकम टू नदर वीडियो सो आज हम अपना जो करियर मोड है उसको कंटिन्यू करेंगे आज हमारा मैच जो है वो पंजाब के साथ है तो ये, so, ये हमारा मैच पंजाब पार्क में है और डिफिकल्टी ऑब्वियसली हमारी डिफिकल्टी ये सेम रहेगी जो हमारी थ्रू आउट करियर में रखेंगे हम लोग तो ये हमारा पहला वन डे मैच है हमारे करियर का ये दोनों टीम्स का लाइन पिच कंडीशन टेम्परेचर जो है 11 डिग्रीज एंड 19 डिग्रीज रेन की पॉसिबिलिटी है ट्वेंटी परसेंट ह्यूमिड है ट्वेंटी परसेंट सीधा चलते हैं टॉस के लिए अब दिल्ली ने कॉल किया है यहाँ पे दिल्ली so, ने टॉस जीत के बैटिंग का डिसीजन लिया है सो so, पंजाब की टीम ग्राउंड पे आते हुए और पंजाब के पीछे पीछे दिल्ली के दोनों ओपनर्स ग्राउंड पे आते हुए सो एज यूजल हम अब इसे सो so ये मैच अब यहाँ से हम सिमुलेट करेंगे कि हमारी बैटिंग जब आएगी तो ही हम गेम प्ले शुरू करेंगे अपना सो मैच सिमुलेट करते हैं देखते हैं कि क्या कब हमारी बैटिंग आती है काफ़ी सॉलिड स्टार्ट हुआ है हमारी टीम का सो ये एज ए सेड ये हमारा डेब्यू मैच है डेब्यू वन डे मैच है तो so, हम अपने करियर की फर्स्ट डिलीवरी खेल रहे हैं वन डे में जैसे ड्राइव किया मैंने कवर्स में और मैं यहाँ पे सिंगल लूँगा अपॉर्चुनिटी है सेकंड की मैं सेकंड भी भाग लेता हूँ फिर से कवर ड्राइव करूँगा गैप में है इजीली हमें यहाँ पे भी दो रन मिल जाएंगे जी इज़ीली हमें दो रन मिल गए सो so, ये फुल टॉस मैंने कवर और पॉइंट के बीच में से शॉट को खेला है गैप में है ईजिली हमें यहाँ पर तीन रन मिल सकते हैं देखते हैं क्या यहाँ है? तीसरा ले पाएंगे हम लोग हाँ तीसरा भी हम लोगों ने भाग लिया है थोड़ा सा टाइट है और ये शॉर्ट पिच डिलीवरी मैं इसको पुल करूँगा गैप में है बहुत अच्छा शॉट बट एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। और सेकंड रन भाग लिया है बहुत रिस्की है, आउट हो सकता है गया। शॉर्ट पे चल फ्लिक करूंगा गैप में है इस बार मुझे लगता है कि हमें बाउंड्री मिल जानी चाहिए नहीं बहुत अच्छी फील्डिंग सिर्फ दो ही रन मिलेंगे यहाँ पे भी और ये डायरेक्ट हिट ओ क्या हम? जी हाँ ये डायरेक्ट हिट लग गया और मेरी वजह से यहाँ पे विकेट चला गया टाइट था अगर ये बोलर uh, इसको कलेक्ट करके इसको अगर स्टम्प uh, करता तो शायद बच सकता था प्लेयर यहाँ पे बट डायरेक्ट हिट है बहुत अच्छा थ्रो बहुत अच्छा थ्रो टाइट काफी टाइट था ओ, तो मैंने बहुत सेट बैट्समैन को आउट करा दिया यहाँ पे मैंने ड्राइव किया है फिर से इजीली यहाँ पे दो रन मिलेंगे बॉलर भाग के गए हैं बॉल लेने के लिए और ये ओवर थ्रो कोई बैक नहीं कर रहा था और चार रन और मिल गए तो हमें इस डिलीवरी पे छः रन मिले हैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा शॉट ड्राइव किया उसको मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ लेकिन कोई फील्डर नहीं था पीछे बैक करने के लिए शॉर्ट पिच है मैं इसे उठा के मारूंगा। गैप में है इजीली हमें यहाँ पे ओ बाउंड्री मिल गई मुझे लगा था एक रन ही मिलेगा अच्छी टाइमिंग रिप्ले देखते हैं एक बारी लॉफ्टेड शॉट खेला यहाँ पे एग्रेसिव खेला मैंने थोड़ा सा क्योंकि हमें टोटल बिल्ड करना है यहाँ पे और हमारी स्टार्ट बहुत स्लो ही है सो आई थॉट थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और ये रिस्क हमारे काम आ गया और हमें यहाँ पे एक बाउंड्री और मिल गई फ्लिक किया है पीछे कोई नहीं है फाइन लेग पे और इजली हमें यहाँ पे दो तीन रन मिल जाएंगे यहाँ पे ईजीली मैं तीसरा भी भागूंगा और अगेन मिसकम्युनिकेशन आउट हो सकता है बच गया गलत एंड पे थ्रो वैसे भी शॉर्ट पे मैं इसे फिर से कट करूँगा भागने की कोशिश और नहीं और ये एक और विकेट दे दिया हम लोगों ने मैंने फिर एक और प्लेयर का आउट करा दिया यहाँ पे कट किया मैंने अच्छा शॉट था बट सीधा प्लेयर के पास गया ये मुझे लगता नहीं कि हमें भागना चाहिए था यहाँ बट विकेट दे दिया एक सो so, मैंने दो रन आउट करा दिए बहुत ही गंदी स्टार्ट है रन नहीं था यहाँ पे कीपर ने कलेक्ट करी है कलेक्ट करके इजीली पूरा टाइम लेके बेल्स उड़ाई हैं फ्लिक करूँगा और गैप में पीछे कोई भी नहीं है तो ईजिली हमें बाउंड्री मिलेगी स्ट्रेट ड्राइव खेलूंगा देखते हैं उफ। मैंने फ्लिक कर दिया है एक रन मिलेगा बस और इसी के साथ और इसी के साथ हमारी हाफ सेंचुरी सो हमने डेब्यू मैच पे हाफ सेंचुरी स्कोर करी है फिर से फ्लिक करूँगा मैं हवा में है गैप में है डीप स्क्वायर लेग पे कोई नहीं है फाइन लेग पे कोई नहीं है गैप इजिली मिला हमें यहाँ पे और चार रन मिलते हुए फिर से मैं फ्लिक करूंगा इसे और उठा के मारा है काफ़ी ऊंचा शॉट है फाइन लेग पे कोई नहीं है और ये एक बाउंस और चार रन मुझे लगा था कि सिक्स मिल सकता है टाइमिंग आइडियल थी हमारी से फ्लिक करूंगा सारी डिलीवरीज लेग स्टंप है ये भी गैप में है इजीली चार मिलेंगे यहां पे बॉलर हर डिलीवरी लेग स्टंप टारगेट कर रहा है सम्भा मुझे नहीं पता क्यों और ये देखिए फ्लिक किया चार रन मिले हमें यहां पे फ़ाइन लेग पे कोई नहीं है उसके बावजूद अगर बॉलर लेग स्टम्प को टारगेट कर रहा है तो शायद यहाँ पे फील्डिंग चेंज कर लेनी चाहिए पीछे किसी को पॉइंट पॉ, पे डीप को लेग पे या फाइन लेग पे होना चाहिए किसी को फिर से सेम डिलीवरी मैं इसको फिर से फ्लिक करूँगा इस बार सीधा प्लेयर के पास एक बाउंस सिंगल मिलेगा हमें यहाँ पर और ये इनिंग ख़त्म हो गई है यहाँ पे मुझे लग ही रहा था कि हमें इसके बाद अब डिलीवरी नहीं मिलेगी लास्ट ओवर ख़त्म हम लोगों ने अच्छा स्टार्ट किया है अच्छा टोटल्स को हम बिल्ड कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे और पचास ओवर में टू हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन मैंने मारे हैं सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी फोर डिलीवरीज़ खेल हैं तो हमारे डेब्यू मैच के हिसाब से अच्छा स्टार्ट है हाँ थोड़ा सा स्लो खेलना शुरू किया था हम लोगों ने बट डिस टोटल सब आ जाते हैं पंजाब की इनिंग पे और अगेन सिमिलेट हो रहा है यहाँ पे देखते हैं हमें बॉलिंग कब मिलती है वेट करेंगे पंजाब ने काफ़ी जल्दी विकेट्स लूज़ करी हैं और हमें हमारा पहला ओवर मिलता हुआ यहां पे। राइट हम फास्ट कोई मैच नहीं खेला अभी हमने फर्स्ट मैच में पहले डिलीवरी स्ट्रेट डालूंगा और ड्राइव किया अच्छा शॉट गैप में इजिली मिलेगा एक और ये दूसरा रन भी भाग लिया बाउंड्री पे प्लेयर खड़ा हुआ आया नहीं अजीब मैंने फुल एंड डाली और कोई रिएक्शन नहीं बैट्समैन का मिडिल स्टंप उखाड़ दी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग मैं यॉर्कर यॉर्कर टारगेट कर रहा था और सटीक यॉर्कर यहाँ पे बहुत अच्छी डिलीवरी फुल एंड डिलीवरी डालूंगा मिडल पे देखते हैं क्या होता है और बहुत अच्छी डिलीवरी बैट्समैन ने बहुत लेट रिएक्ट किया है मिडल ऑफ स्टंप उड़ा दी हम लोगों ने यहां पे बैट्समैन फ्लिक करने की कोशिश कर रहा था बॉल को आई डोंट नो वाई यू मिस आई हिट सीधी सीधी डिलीवरी डालूंगा फिर से और फिर से सिमिलर विकेट बिल्कुल पिछले विकेट जैसा विकेट मिला हमें यहां पे वही सेम डिलीवरी डाली है सिमिलर लेंथ है ऑलमोस्ट बैट्समैन अगेन उसको लेग लेग साइड पर ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है फ्लिक करने की कोशिश कर रहा है और मिडिल स्टैम्प लेग ऑफ स्टंप उड़ाते हुए बहुत अच्छी डिलीवरी अपील करी है विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा लाइट्स ऑन हो गई हैं ऑलरेडी और थोड़ा नजारा बदल गया है मैं स्टंप पे डालूंगा अगेन यॉर्कर डाली है बैट्समैन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है प्लम्ड इन फ्रंट ऑफ द विकेट्स और एक और विकेट मिलते हुए हमें यहां पे डक पे आउट कर दिया मैं फिर से वही कोशिश करूंगा और अगेन एक और विकेट मिला हमें यहाँ पे मिडिल स्टंप उखाड़ दी है बैट्समैन रिएक्ट ही नहीं कर रहा है या तो हमारी बॉलिंग बहुत फास्ट है या बैट्समैन बहुत स्लो है या मिडिल स्टंप उखाड़ते हुए सो हमें so, पांचवा विकेट मिलता हुआ अपने इस सेशन में एक और विकेट इन स्विंग डिलीवरी गुड लेंथ बॉल थी और बैट्समैन ने फिर से कुछ रिएक्ट नहीं किया है ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप के आसपास बॉल ने टप्पा खाया और सीधा उसने ऑफ स्टंप उखाड़ दी है सो so, यहां पे मेरे ख्याल से इनिंग खत्म हो गई है और हमने सिर्फ दस डिलीवरीज डाली है और छः विकेट्स लिए यहां पे बहुत अच्छा स्टार्ट आई होप आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया होगा दिल्ली ने अपना फर्स्ट मैच जीत लिया है और हमारा बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो हम मिलते हैं अगली वीडियो में